सामने का व्यू हमारी गाड़ी यहाँ पार्क है, थोड़ा सा आइलैंड है ये, सामने ओद्रा रिवर, ब्रसोवा पोलैंड में। देखिए सामने का नजारे बहुत प्यारा है भाई। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, मेरा नाम उत्कर्ष, मैं रहता हूँ भाई पोलैंड में, जो कि यूरोप शेंगेन की बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल सी कंट्री है। गाइस आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आप लोग यार मेरी हंगेरी बुदापेस्ट की वीडियो पसंद कर नहीं रहे हो, बोल रहे हो भाई तुम इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाओ, वर्क परमिट का या जो भी है। तो गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं, आपने जैसे टाइटल में देखा होगा, पोलैंड वीजा नेशनल एम्प्लॉयमेंट चेकलिस्ट। मतलब चेकलिस्ट क्या है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं ताकि आपको सक्सेसफुली वीजा मिल सके। तो गाइस मैं इस वीडियो बना रहा हूँ, बहुत लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे और बहुत लोग ये भी लगता है एक बार उनको एजेंसी से या एजेंट से या कैसे भी सारा वर्क परमिट का डॉक्यूमेंट मिल गया उनको वीजा मिल जाएगा, वो पोलैंड आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है भाई। तो गाइस ऑफ कोर्स जो वर्क परमिट है इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर वर्क परमिट ही सब कुछ नहीं है, आपको और भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वगैरह लगाने पड़ते हैं ताकि आपका इंटरव्यू वगैरह ना हो और आपको आसानी से वीजा मिल जाए। मेरे सामने है भाई नेशनल एम्प्लॉयमेंट वीजा का चेकलिस्ट। और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपको जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं इधर पोलिश में या फिर इंग्लिश में, इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज बहुत लोग अपना हिंदी में लगा देंगे वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या कोई भी अदर डॉक्यूमेंट, राइट। तो आपको हिंदी वगैरह नहीं लगानी है भाई, या तो इंग्लिश में होनी चाहिए डॉक्यूमेंट या पोलिश लैंग्वेज में। तो गाइस पहला सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपका पासपोर्ट। तो पासपोर्ट आप जब अप्लाई कर रहे हो पोलैंड नेशनल वीजा, पासपोर्ट की जो वैलिडिटी होती है वो एटलीस्ट 90 डेज होनी चाहिए। तो गाइस 90 डेज एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है और 90 डेज के ऊपर रहेगा तो काफी अच्छा है भाई। मैं बोलूंगा एक नया पासपोर्ट बनवाई लेना अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर वगैरह होने वाला है। अगर आपके 3 महीने से कम रहेगी वैलिडिटी तो आपका वीजा नहीं मिलेगा भाई। तो गाइस ये हो गया पहला डॉक्यूमेंट जो है आपका पासपोर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट। सेकंड है वीजा एप्लीकेशन। तो आप जो वीजा एप्लीकेशन फिल करते हो ना, आपको एजेंट करेगा या जो भी करेगा, तो उसमें आपको पर्सनली साइन करना होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मेरे से लोग पूछते हैं कि यार हमारा सिग्नेचर हिंदी में हो सकता है? तो गाइस आपका जो सिग्नेचर है ना, जैसा आपके पासपोर्ट में है, ठीक है, जो पासपोर्ट के फ्रंट पेज में आपका सिग्नेचर होता है वही सेम सिग्नेचर होनी चाहिए एकदम एग्जैक्ट। अगर आपके पासपोर्ट में हिंदी में सिग्नेचर है और आप वीजा एप्लीकेशन में इंग्लिश में कर दोगे तो उसमें वीजा मिलने में दिक्कत आ सकती है भाई। तो आप लोग ध्यान दो थोड़ा, ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई सब कुछ एजेंसी के भरोसे छोड़ दो। अगर एक और बात है जो आपको समझनी है, आपके जो भी एजेंट है ना, आप उनके एक क्लाइंट हो, आप उनके दामाद नहीं हो, आप उनके बेटे नहीं हो, भाई नहीं हो, जो भी है। तो जो एजेंसी है उनके पास बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं भाई, तो आपका पर्सनली उतना फोकस आप पे नहीं करेंगे। बिकॉज देखो बहुत सारे आपको बताइएगा जो एजेंसी है इंडिया में, पाकिस्तान कहीं भी यार, कि बहुत सारे हजारों एप्लीकेशन है, तो कहीं ऐसा होता है कि एक दो लोग का वीजा नहीं भी लगेगा, एजेंसी का ऐसे कुछ उखाड़ नहीं लोगे आप लोग। बहुत लोग स्कैम हुआ होगा पहले, जो भी एजेंसी चला रहा है बिजनेस चला रहा है तो समझिए लगा उनके कॉन्टैक्ट वगैरह होते हैं, केस वगैरह कर सकते हो। मैं बोलूंगा अगर बंदा सही है जो भी चला रहा है एजेंसी, तो आपके पैसे वगैरह शायद रिफंड कर दे अगर आपका वीजा नहीं लगा तो। ये तो बहुत सारे केसेस में लोग के साथ स्कैम भी होता है भाई, वीजा वगैरह नहीं लगता है तो पैसे रिफंड नहीं होते हैं। तो आप लोग ये आपके ऊपर है, आप कैसा एजेंसी चूज कर रहे हो, कैसा एजेंट चूज कर रहे हो। मैं फास्ट बोलूंगा, बहुत भीड़ बढ़ रही है यहाँ पे और यहाँ भाई पुलिस वगैरह भी आती है रैंडम चेकिंग करने के लिए, तो आजकल पोलैंड में थोड़ी चेकिंग ज्यादा हो रही है भाई। तो गाइस वीजा एप्लीकेशन के साथ साथ एक और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कलर फोटोग्राफ। पोलिश एम्बेसी की वेबसाइट पे सारा क्राइटेरिया होता है जो पासपोर्ट साइज फोटो है कितनी बड़ी होनी चाहिए, क्या उसका डायमेंशन होना चाहिए। तो जो भी आपको फोटो लगानी है दैट शुड बी पासपोर्ट साइज, और उसका जो डायमेंशन है वो है 35x45 mm और 6 मंथ से पुरानी नहीं होनी चाहिए। अपना एक दो साल पहले का फोटो लगा देते हैं, उसमें चेहरा ही पहचान में नहीं आता है कि आज का फोटो है कब का फोटो है, तो एकदम रिसेंट फोटो खिंचवा के लगाओ यार, 40-50 रुपए बन जाता है फोटो, उतना कोई इशू नहीं है भाई। तो गाइस तीसरा डॉक्यूमेंट है वो है चेकलिस्ट इटसेल्फ। आपको जो चेकलिस्ट है वो लगानी है, आप देख सकते हो यहाँ पे यस नो का ऑप्शन होता है, तो आपको वो सब टिक करना है कि आप क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा रहे हो, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर जो चौथा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है कवर लेटर। कवर लेटर मैं बोलूंगा अगर आप किसी एजेंसी के थ्रू आ रहे हो, एजेंट को ही बोलो यार मेरे लिए बना के दे, बेसिकली कवर लेटर में आपको ये सब मेंशन करना होता है कि आप पोलैंड क्यों जाना चाह रहे हो, क्या आपका मोटिवेशन है, आप सपोर्टिंग क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा रहे हो प्रूफ कर सके कि आप पोलैंड मतलब काम करने जाओगे लीगल वे से। तो ये सब लगाना है, उतना कुछ खास नहीं होता, एजेंट को बोलो आपको बना के दे देगा, उसमें कोई इशू नहीं है भाई। तो गाइस पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है डॉक्यूमेंट कंफर्मिंग द पर्पस ऑफ ट्रिप, ओरिजिनल एंड वैलिड वर्क परमिट। मतलब आपका मेन मोटिव क्या है कि आप काम करने जा रहे हो पोलैंड एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो आपका जो मेन डॉक्यूमेंट होता है वो वर्क परमिट होता है, वर्क परमिट गारंटी लेटर या सब जो भी 3-4 आपको डॉक्यूमेंट मिलते हैं आपके एजेंट से, तो वो सब लगानी है, ठीक है। तो गाइस पहला डॉक्यूमेंट हो गया वर्क परमिट, दूसरा है प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द एम्प्लॉइंग कंपनी। तो ऐसा होता है ना, आप पोलैंड में जो भी कंपनी चला रहा है, बिजनेस चला रहा है, एजेंसी चला रहा है, यहाँ पे आप काम करने जाओगे तो उनका एक KRS नंबर होता है, मतलब उस कंपनी का गवर्नमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन वगैरह हुआ है, तो KRS की नहीं सर्टिफिकेट बनती है, आप वो खुद से भी डाउनलोड कर सकते हो या अपने एजेंट को बोलो यार कि जो भी जहाँ से आप वर्क परमिट अपना इशू करवा रहे हो उसको बोलो कि आपको बना के दे, उसमें स्टैंप वगैरह होनी चाहिए KRS के डॉक्यूमेंट पे जो भी कंपनी आपको जॉब दे रही है। गाइस तीसरा डॉक्यूमेंट जो है वो है ओरिजिनल एम्प्लॉयमेंट लेटर, मतलब जो भी आपको कंपनी जॉब दे रही है पोलैंड में, ऑफर लेटर बोलो, एम्प्लॉयमेंट लेटर बोलो, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, वो कंपनी आपको बना के देगी, वो कंपनी के स्टैम्प पैड पे होता है, एड्रेस वगैरह, फोन नंबर, ये सब NIP नंबर, KRS नंबर, वो सब होना चाहिए। तो वो सब नहीं है, समझ जाओ आपको वीजा मिलने में मुश्किल आएगी, एजेंट को बोलो कि आपको बना के दे। अब गाइस बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो मैं बोलूंगा ये इक्वली इंपॉर्टेंट है आपके वर्क परमिट की तरह। तो इन्होंने लिखा हुआ है नॉट मैंडेटरी, मतलब ये कंपलसरी नहीं है, पर अगर आप लगाओगे तो इसमें आपका वीजा एप्लीकेशन में हेल्प होती है भाई। नहीं भी लगाओगे तो कोई इशू नहीं है, अगर आपका बहुत ही अच्छे कंपनी से वर्क परमिट आया है, बहुत सारे बड़े इंटरनेशनल किसी कंपनी से, जैसे आप अगर अच्छे खासे जॉब के ले रहे हो जैसे IT बैकग्राउंड, बैंक वगैरह, फाइनेंस, उस सब केस में आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ना भी लगाओ तो आपको वीजा मिल जाएगा आसानी से भाई। ब्लू कॉलर जॉब जैसे फैक्ट्री, वेयर हाउस, वेल्डर वगैरह, कारपेंटर, कंपनी वगैरह में काम करने आ रहे हो तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट
तो आप लगाओ ही लगाओ, उसके बिना आपको वीजा नहीं मिलेगा भाई। फिर क्वेश्चन आएंगे आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगा सकते हो। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आप लगाओगे प्रोफेशनल एजुकेशनल सर्टिफिकेट, आपने अगर 5, 10, 10, 12 बैचलर्स मास्टर्स कुछ भी जो भी पढ़ाई करी है तो वो सब डॉक्यूमेंट लगाओ, ठीक है। अगर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि आप जो भी सर्टिफिकेट लगाओगे, 10th करी है, 12th करी है, BSc करी है, BA, MCOM, MA जो भी करी है, तो वो सब डॉक्यूमेंट आपके अपोस्टाइल होने चाहिए। तो अपोस्टाइल के रिगार्डिंग मैंने 2 साल पहले वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वो जाके देख लो, उसमें मैंने बताया अपोस्टाइल क्या होता है और आप कैसे करा सकते हो। शॉर्ट में बताऊं क्या होता है, अपोस्टाइल इज लाइक अ स्टैंप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से। आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो फेक नहीं है, वो लीगल सही डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू हुआ है। आया था पढ़ाई करने, राइट, आई केम ऑन स्टडी वीजा, तो मेरे जो भी 10th और 12th की मार्कशीट थी अपोस्टाइल मैंने कराया था, उस पर SDM का स्टैंप, अटॉर्नी का स्टैंप और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का बड़ा सा चौकोर सा स्टैंप लगता है। तो ये कराना जरूरी है भाई, अगर आप लगा रहे हो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स तो, अगर आप नहीं लगा रहे हो तो मत लगाओ भाई। तीसरा पॉइंट है वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो अगर आप मान लो पोलैंड आना चाह रहे हो वर्क परमिट पे, तो इंडिया में काम करते थे किसी फैक्ट्री वेयर हाउस में, राइट, और यहाँ पोलैंड भी आ रहे हो वेयर हाउस जॉब के लिए, तो रेलिवेंट है, उस केस में आप लगा दो अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, काफी अच्छा रहेगा। इस केस में आपको थोड़ी हेल्प हो जाती है वीजा मिलने में। तो गाइस मैं ऑनेस्टली बताऊं तो बहुत लोगों का केस यही होता है कि वो इंडिया में कुछ और जॉब कर रहे थे, मतलब कुछ भी जॉब कर रहे थे, अब पोलैंड आना चाह रहे हैं फैक्ट्री जॉब के लिए, वेयर हाउस, कारपेंटर, वेल्डर या जो, तो उस केस में अगर आपके पास मैचिंग रेलिवेंट फील्ड नहीं है तो आप मत लगाओ, अगर आप लगाओगे तो आपके अगेंस्ट ही काम करेगा। अगला आएगा इस चौथा पॉइंट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो PCC होता है, तो आप PCC बनवा लो। अगर बहुत लोग क्वेश्चन होते हैं कि पोलैंड के लिए PCC मैंडेटरी है कि नहीं, आप देख लो ये मैंडेटरी नहीं है, इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट मैंडेटरी नहीं है, अगर आप लगाते हो तो आपके वीजा एप्लीकेशन में हेल्प ही होती है भाई। अब जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है करिकुलम वैटा, जो CV बोलते हैं भाई, तो CV तो आप अपने एजेंट को बोलो, आप एक रफ CV अपना बना के अपने एजेंट को बोल दो कि आप इसको प्रोफेशनल यूरो पास फॉर्मेट में CV मेरे को बना के दो। आपका एजेंट भाई पैसे लिया है जो भी 2 लाख 4 लाख 5 लाख पता नहीं कितना लिया है, तो इतना तो काम करके दे ही सकता है भाई। सो गाइस टू सम इट अप, जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो हो गया आपका पहले का एजुकेशनल सर्टिफिकेट, आपके वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट PCC और CV। तो गाइस ये सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, अगेन मैं बोल रहा हूँ ये मैंडेटरी नहीं है। अब गाइस जो छठा डॉक्यूमेंट है वो है फ्लाइट आइटनरी। तो आइटनरी क्या होता है, तो आइटनरी इज लाइक अ डमी टिकट, आपको एक टिकट लगानी होती है कि आप जहां भी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, गल्फ, कतार, ओमान, दुबई, जहां से भी देख रहे हो, तो आप पोलैंड कैसे आओगे, तो आपका फ्लाइट का एक सैंपल डमी टिकट होती है, वो आप किसी भी वेबसाइट से देख लो बन जाता है आसानी से, आई थिंक 100, 200, 500 रुपए बन जाता है। इसमें आपको खाली रिजर्वेशन चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप कंफर्म टिकट ले लो, बहुत लोग ना पैसा देके कंफर्म टिकट ले लेते हैं, कि इसमें अगर आपका वीजा रिजेक्ट होता है तो फिर भाई आपकी जो एयरलाइंस है उसके ऊपर है कि वो रिफंड करती है नहीं करती है, तो एयरलाइंस से ना रिफंड लेने बहुत बहुत बकचोदी होती है भाई। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया। अब गाइस बात करते हैं अपने 7th डॉक्यूमेंट पे जो है ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस। तो बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहती है कि उत्कर्ष हम ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस कौन सा लें। आपको सीधे जाना है पोलिश एम्बेसी की वेबसाइट पे, वहां पे उन्होंने ना कंट्री वाइज इंडिया के कौन कौन से कंपनी है इसके आप इंश्योरेंस ले सकते हो, तो आप वहां चेक कर लो, या फिर आप पाकिस्तान से हो तो पाकिस्तान का चेक कर लो, आप कहीं गल्फ सऊदी से अप्लाई कर रहे हो तो वहां पे चेक कर लो। तो गाइस मैं इंश्योरेंस के रिगार्डिंग यहां फोटो डाल दूंगा, मेरे को याद नहीं है एग्जैक्टली कौन कौन सा इंश्योरेंस है, तो आप स्क्रीन पे देख लो, स्क्रीन पे फोटो है। अब गाइस हमारे लिस्ट पे जो 8वां पॉइंट है वो है एकोमोडेशन। बेसिकली अगर आप पोलैंड आ रहे हो ना, तो आपका जो भी एम्प्लॉयर है, जो भी आप एजेंसी के थ्रू आ रहे हो, जो भी कंपनी जॉब दे रही है, तो आपको एक एकोमोडेशन का सर्टिफिकेट बना के देती है इंग्लिश में और पोलिश में, दोनों लैंग्वेज में। तो बेसिकली आपको वही डॉक्यूमेंट सबमिट करनी है अपने VFS में या फिर पोलिश एम्बेसी में, और उसमें ये लिखा रहता है ये आपकी कंपनी है, ये आपको जॉब दे रही है और ये आपको एकोमोडेशन देगी, और एकोमोडेशन का आपके सैलरी से पैसा काटेगी, या फिर अगर फ्री है तो भाई वो कंपनी के ऊपर है। तो ये सब लिखा रहता है, बहुत कोई बड़ी चीज नहीं है, आपका जो भी एजेंसी एजेंट है वो आपको देगा ये डॉक्यूमेंट। अब गाइस हमारा जो 9th पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, प्रूफ ऑफ सॉल्वेंसी ऑफ द एप्लीकेंट। मतलब अगर आप खुद से आ रहे हो, कंपनी आपको जॉब तो दे रही है, कंपनी आपको फुली स्पॉन्सर नहीं कर रही है, खाने पीने का हर एक चीज का टेक केयर करेगी, तो उस केस में आपको बैंक स्टेटमेंट लगाना है अपना। इसमें लिखा हुआ है कि बैंक स्टेटमेंट आप अपने करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट का 3 महीने का लगा सकते हो, लास्ट 3 महीने, मैं बोलूंगा 4-5 महीने का लगा दो, 6 महीने का कोई इशू नहीं है। अब बहुत लोग ये भी क्वेश्चन होते हैं यार बैंक स्टेटमेंट उत्कर्ष कितने पैसे दिखाने हैं, मैं बोलूंगा बैंक स्टेटमेंट में आप मिनिमम दिखाओ 3 से 4 लाख, इतना आप मैनेज कर सकते हो तो करो, तो मिनिमम 2 लाख तो दिखाओ दिखाओ भाई। मतलब ऐसा होता है ना गाइस, जो भी लोग वर्क परमिट पे आते हैं उनके लिए बैंक स्टेटमेंट इज नॉट लाइक 100% मैंडेटरी। अगर आप नहीं भी लगाओगे, या फिक्स डिपॉजिट का लगा दो सर्टिफिकेट, अगर क्रेडिट कार्ड वगैरह है तो लगा दो उनका सर्टिफिकेट, तो 100% मैंडेटरी नहीं है। अगर नहीं लगाओगे तब भी बहुत लोगों का वीजा मिल जाता है, तो मैं बोलूंगा रिस्क क्यों लेना, इतना पैसे खर्च कर रहे हो पोलैंड आने के लिए। अब आते हैं हमारे 10th पॉइंट पे जो है एडिशनल डॉक्यूमेंट। तो एडिशनल डॉक्यूमेंट में इन्हें कुछ लिखा नहीं, आप क्या लगा सकते हो, बेसिकली आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट लगा सकते हो, या आप ऐसा कुछ अपने बिजनेस का, या फिर इंडिया में प्रॉपर्टी वगैरह है तो उसका डॉक्यूमेंट लगा सकते हो, ITR वगैरह लगा सकते हो। इससे जो पोलिश एम्बेसी है उसको ये लगे कि बंदे के पास इंडिया में कुछ है और पोलैंड जा रहा है बस एक जॉब करने, ऐसा नहीं है कि पोलैंड जाके वो सेटल हो जाएगा, या फिर पोलिश गवर्नमेंट पे एक लायबिलिटी बन जाएगा, गवर्नमेंट से पैसा लेगा, ये सब करेगा। तो बेसिकली यही दिखाना है एडिशनल डॉक्यूमेंट में, आपके पास इंडिया में प्रॉपर्टी है, या फिर बिजनेस है, या फिर कुछ भी है भाई, पहले से मैरिड हो, आपके बच्चे हैं, या फिर आपके ओल्ड पेरेंट्स वगैरह, उनका आपको टेक केयर वगैरह करना है, जो भी ये सब चीजें हैं। और अगर आपके पास कुछ नहीं भी है ना, तब भी कुछ ना कुछ आप लगाओ, गवर्नमेंट को ये ना लगे कि साला इंडिया में बंदा गरीब है, कुछ भी, अगर आप गरीब हो तब भी बात समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो देखो आपको पता है, मुझे पता है कि आप पोलैंड, यूरोप कहीं भी जाना चाह रहे हो, तो आप एक बेटर लाइफ के लिए जाना चाह रहे हो, आप शायद वापस नहीं आओगे, आप यहीं पे सेटल लोगे, या शादी करोगे, या बच्चे करोगे, या PR लोगे, पासपोर्ट लोगे, कुछ भी लोगे, थोड़ा आपको डिप्लोमेटिक वे में चीजें हैंडल करनी है, तो एडिशनल डॉक्यूमेंट भी लगाओ, कोई इशू नहीं है भाई। गाइस जो 11th डॉक्यूमेंट है वो है रेजिडेंट प्रूफ। तो रेजिडेंट प्रूफ में अपना पासपोर्ट लगा सकते हो, आधार कार्ड वगैरह लगा सकते हो, आप इंडिया में कहाँ रहते हो, ठीक है, आप जहाँ से वीजा अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ कुछ रेजिडेंट प्रूफ वगैरह होना चाहिए। वैसे हमारा जो 12th पॉइंट है वो है पासपोर्ट डेटा पेजेस, कॉपी लगानी है आपको, मतलब फर्स्ट पेज
की और लास्ट पेज की, जिसमें आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम वगैरह जिसमें लिखा रहता है ना। इसमें एक और जो पॉइंट है, कॉपी ऑफ पेजेस ऑफ पोलिश शेंगन वीजा इफ इशूड, पहले किसी यूरोप में कंट्री में आए हो, आपको किस कंट्री से पहले वीजा लगा था शेंगन वीजा की फोटो वगैरह लगाओ। यहाँ साथ साथ ना जो रिमार्क कॉलम है, मतलब ये जो चेकलिस्ट है ना, ये खाली चेकलिस्ट नहीं है, आपको ये भरना है खुद से भी, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा रहे हो उसमें टिक करना है। फॉर एग्जांपल आपका जो पासपोर्ट है वो कब से कब तक वैलिड है, आपका जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो कब से वैलिड है, ये सब चीजें आपको इसमें इन्फॉर्म करनी है उनको, राइट। अगर इस फॉर्म के स्टार्टिंग में बताना भूल गया, यहाँ पे आपका नेम है, आपको अपना नाम लिखना है, पासपोर्ट नंबर और पर्पस ऑफ विजिट तो आप लिख सकते हो एम्प्लॉयमेंट, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस, तो ये सब भरना है यहाँ पे। अगर इस डॉक्यूमेंट के लास्ट में आपको अपना नाम और सिग्नेचर वगैरह करनी है, डेट लिखना। तो कहते हैं भाई नेशनल वीजा चेकलिस्ट, मैं सोचा वीडियो बना दूं, बहुत लोगों ना ज्ञान होता नहीं है, बहुत लोग मेरे से पूछते हैं उत्कर्ष कि मेरे को वर्क परमिट आ गया, आप मेरे को वीजा प्रोसेस में हेल्प कर दो। तो मैं लोग को यही बोलता हूँ कि भाई तुम चेकलिस्ट देखो और चेकलिस्ट में जो डॉक्यूमेंट लिखे हैं वो सब डॉक्यूमेंट लगाओ। तो इसमें आप ऐसा रिलाइज कि बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट है ना वो आपको आपका एजेंट ही देगा, जो भी आप एजेंसी के थ्रू अप्लाई की हो, और 10% डॉक्यूमेंट आपको खुद से लगाना है, जैसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो गया, मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, बैंक स्टेटमेंट, ये तो आपको एजेंट नहीं देगा ना यार, तो आप खुद से लगाओगे अपने बैंक का। और आप लोग इस चेकलिस्ट को ना बहुत ध्यान से पढ़ो, इसमें जो भी मैंने डॉक्यूमेंट बताया मैंने एक्सप्लेन किया, अब इससे ज्यादा सरल और हिंदी में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता भाई। अब भी आपको डाउट है तो आप कमेंट करो, और कमेंट में आई ट्राई माय बेस्ट टू रिप्लाई। क्या ही बोले भाई, आप लोग पोलैंड आ जाओ जल्दी से। मेरी वीडियो थोड़ी फास्ट होती है बिकॉज यार मैं आज थोड़ी फास्ट बोलना, हमारे इतने लोग भी बैठे हुए हैं, ठंड भी हो रही है सामने, धूप सनसेट। तो वीडियो के लिए आप लोग सबको गुड लक, जो भी पोलैंड आना चाह रहे हैं वर्क परमिट पे या जैसे भी आना चाह रहे हैं भाई, एक बार यहाँ पे आ जाओ तो यहाँ पे थोड़ी अपॉर्चुनिटीज वगैरह हैं। सामने की तरह क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 लॉस होगा तो मार्केट A to Z रोड पे आ जाएंगे। तो ये सब आप लोग एंजॉय करिए, और सबको गुड लक जो भी पोलैंड आना चाह रहे हैं, अपना सही से एजेंट चूज करो भाई, और कुछ नहीं है। और एक बार पोलैंड आ जाओगे ना तो यहाँ पे बहुत सारा जो आप फूड डिलीवरी, जैसे गाइस इसके बाद हम करने वाले हैं फूड डिलीवरी, आपको दिखाते हैं भाई, उबर बैग मजाक नहीं कर रहा हूँ, दिखाई देता हूँ। मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ और वीकेंड पे ना देखिए उबर इट्स का बैग दिख रहा है इसका, अभी हम जाएंगे फूड डिलीवरी करने, अपने कार से करते हैं भाई, ऑडी से करते हैं, आप ऑर्डर लो, यहाँ जाओ, डायरेक्शन देखो, ये करो वो करो, गाड़ी ठुक गई तो अलग ही बकचोदी, लड़ाई करने जाओ चाहते हैं यहाँ से। फूड डिलीवरी उसके ब्लॉग्स वगैरह भी आएंगे अगर आपको देखना है तो, आप लोग कमेंट करिए आपको फूड डिलीवरी के ब्लॉग्स देखना है कि नहीं। अगर बहुत लोग कमेंट करेंगे यस 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 तो मैं वीडियो बनाऊंगा, क्यों नहीं बनाऊंगा भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, लव पोलैंड पीस, और हम एंजॉय करते हैं, आप भी एंजॉय करिए इंडिया में, मिलते हैं भाई पोलैंड आ जाओ फिर मिलेंगे। पीस पीस बारबेक्यू कर रहे हैं, रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो, ये हमारी गाड़ी है, यहाँ पे लोग एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा नजारा है ना।